और साजिश के ही तहत, मैं शक नहीं यकीन है हम लोग को कि साजिश, एक बड़े साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। एज ए मैन हम लोग की भी ये इच्छा है, हम लोग भी सच्चाई जानने के, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या सच्चाई है। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री खुलेआम कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बंगाल में, असम में रैली कर रहे थे, यहाँ लाखों लोग सड़क पर, वो हत्यारे नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, इसको देश, हम लोग, सारे कम्युनिटी के लोग मानते हैं। आप उस पर देश चलेगा, बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए कानून पर देश चलेगा, नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बनाए हुए कानून पर चलेगा। पूर्व सांसद और राजद के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन की मौत को लेकर बिहार की राजनीति रंग पकड़ने लगी। हम सुप्रीमो जीतन अमांझी के बाद राजद नेता अकबर अली परवेज ने पूर्व सांसद के मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। राजद नेता ने इस बाबत पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर करने के लिए अनुमति मांगा है, ताकि इस मामले में सीबीआई जांच हो सके। शहाबुद्दीन की मौत पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच राजद नेता अकबर अली परवेज ने पूर्व सांसद के मौत की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राजद नेता ने राजधानी दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के संबंधित डॉक्टर्स नर्स सिवान जेल के अधीक्षक समेत मामले से जुड़े पदाधिकारियों को पूर्व सांसद के मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मालूम हो कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कोरोना से हो गई थी। हालांकि उनकी मौत के बाद भी संशय बरकरार रहा, बाद में इसकी पुष्टि हुई कि उनकी मौत हो चुकी है। मौत किन वजहों से हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि शहाबुद्दीन की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वह पॉजिटिव नहीं थे, जिसके बाद उनकी मौत पर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। नहीं, जो खबर आपको मिला है वो सही है। हमने अभी एक क्रिमिनल रिट याचिका हाई कोर्ट में अप्लाई किया है, कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के को आदेश देने के लिए कि जो अभी विगत दिनों जो घटना हुई है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, उसमें है, मतलब पूरा बिहार, पूरा देश मर्माहत है, और सारे सारे लोगों को ये शक है, और मुझे भी, कि साजिशतन उनकी हत्या हुई है, और कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। ये तो स्पष्ट है कि कोरोना से उनकी मौत हुई नहीं है। फिर तिहाड़ जेल में उनको रखा गया, वहाँ कोरोना पॉजिटिव उनके सेल में एक पाकिस्तानी कैदी को डाल दिया गया। बहुत सारे, मतलब, सिचुएशन है जो शक पैदा करता है। हर हिंदुस्तान के सारे आम आवाम, सारे जाति समुदाय के लोग को, कि इतना बड़ा हस्ती, जनता के बीच इतना पॉपुलर लीडर, लोगों के दुख सुख में हमेशा रहने वाला, चार बार सांसद रह चुका वो आदमी, दो बार एमएलए रहा, वैसे आदमी के साथ इतनी बड़ी साजिश हो गई। इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में, पटना में, मैंने, हमारे वकील जो शेर शाह सूरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मजरूल हसन शेरू साहब, उनके द्वारा एक क्रिमिनल रिट हमने दायर किया है। उनसे माननीय हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि आप हमारे केस को परमिट करें, परमिशन दें, जो हम केस दायर कर सकें। जिस दिन हाई कोर्ट आदेश कर देगा, हम बिहार सरकार पर, दिल्ली सरकार को एक्यूज किए हैं, तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट और संबंधित जो पदाधिकारी हैं उन पर, दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है उसके जो डायरेक्टर या जो अधीक्षक हैं या संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उन पर, सिवान जेल के अधीक्षक पर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं साजिश में हैं। इसलिए हमने कहा है हाई कोर्ट से, को मैंने गुजारिश किया है कि आप या तो इस केस का सीबीआई जांच कराए, या रिटायर्ड जज से जांच कराए, जो भी हो, जो संशय है लोगों के बीच में, आम आवाम को, एज ए मैन हम लोग की भी ये इच्छा है, हम लोग भी सच्चाई जानने के, पूरा देश जानना चाहता है
कि क्या सच्चाई है, किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई। एक जो टॉप मोस्ट आतंकवादी है छोटा राजन, वो कोविड पेशेंट हुआ तिहाड़ जेल में, उसको आप एम्स भेज देते हैं। 4 बार का सांसद, 2 बार का MLA, जनता के द्वारा चुना गया, ठीक है, गलत सही है तो इस देश में तो सबसे बड़ा गलत अभी परिपाल वहाँ गृह मंत्री बना हुआ है, वो गृह मंत्री है, देश का सबसे मोस्ट क्रिमिनल रह चुका है। प्रधानमंत्री जो देश के हैं उस पर भी चले हैं बहुत सारे मामले, वो भी उनको भी आप अपराधी की कैटेगरी में रखिए, वो आज देश के प्रधानमंत्री है। अपराधी लोग कहते कि अपराधी है शहाबुद्दीन साहब, अपराध थे तो उनकी सजा भुगत रहे थे, इसके क्या मतलब है क्या आप उन पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल कीजिएगा। ये तो ह्यूमन राइट वाले को भी आगे आना चाहिए। अब आगे देखिए, हम लोगों ने हाईकोर्ट से गुजारिश किया है, हमारे वकील साहब ने। तो क्या लगता है उनकी नेचुरल मौत हुई है या साजिश के तहत? ये साजिश ही लगता है ना, साजिश ही है। साजिश नहीं होती तो 21 तारीख को एडमिट हुए और लास्ट में उनको 27 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने शहाबुद्दीन साहब ने खुद केस किया कि हमारे जान की को खतरा है, हमारा सही से इलाज नहीं किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट के मतलब ने आदेश दिया कि इनका उचित और सही जगह इलाज कराया जाए, उसके बावजूद भी कोई दिल्ली सरकार या भारत कोई किसी ने भी इस पर कोई ये नहीं किया। ये तो कोर्ट का भी अवमानना का मामला बनता है, दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि आपके परमिशन के बाद भी एम्स में नहीं भेजा गया। वही मैं बोला कि राजन तिवारी को एम्स में शिफ्ट किया गया, वो कोई साधु संत है क्या? ठीक है, सजा मतलब क्या हुआ, कोर्ट का मामला था, इंटरनल मामला था, हम लोग नहीं बोलते हैं शहाबुद्दीन साहब जो किए तो उनको सजा मिला, तो सजा भुगत रहे थे, इसका क्या मतलब हुआ? आप साजिशन, आप कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और साजिश के ही तहत मैं शक नहीं, यकीन है हम लोग को कि साजिश, एक बड़े साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। इसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने क्रिमिनल जो अभी कोर्ट में हम हाई कोर्ट में हम लोगों ने गुजारिश गुहार लगाया है माननीय उच्च न्यायालय पटना से कि आप परमिशन दीजिए और CBI से जांच कराइए, हम लोग केस करेंगे। अगर इसकी जांच CBI से नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे आप? देखेंगे, उसके बाद यहाँ परमिशन देंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। हमारे और लोग भी हैं, वकील हैं, हमारे शेरशाह सूरी सेना के बहुत सारे बड़े लॉयर हैं दिल्ली में, मैं उनसे भी बात करूँगा। लेकिन शहाबुद्दीन साहब को इंसाफ मिलेगा, ये हम लोग का पढ़न है और ये वादा भी है। पार्टी जात पात से अलग हट करके, ये सारे लोग जानते हैं कि परवेज आलम, हम लोग सेकुलर लोग हैं, सभी धर्म सभी समुदाय सभी जाति को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ शहाबुद्दीन साहब की बात नहीं है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री खुलेआम कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बंगाल में असम में रैली कर रहे थे, यहाँ लाखों लोग सड़क पर, वो हत्यारे नहीं है। सिर्फ आप दोषी जो है आप ठीक है, कानून अपना काम कर रहा था, कानून सजा दिया, कानून समझेगा। इस तरह का 4 बार के सांसद, 2 बार MLA, आपने कोर्ट में सजा दिया, वो सजा भुगत रहे थे, लेकिन किस चीज की आपने सजा दी? इस देश में दोहरी कानून की नीति नहीं चलेगी। ये बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, इसको देश, हम लोग, सारे कम्युनिटी के लोग मानते हैं, आप उस पर देश चलेगा, बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए कानून पर देश चलेगा, नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बनाए हुए कानून पर चलेगा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हाई कोर्ट ने, अगर माननीय हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का
जो हत्या की गई है उसके साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं और बिहार सरकार से भी, माननीय नीतीश कुमार से भी मैं मांग करता हूं कि वो न्यायिक जांच के लिए वो स्पेशल कोई यहां सिस्टम बहाल करें।